बसी ये आबादी देश और दुनिया की उन चुनिंदा सबसे पुरानी बस्तियों में शुमार है जो आज भी अपना वजूद रखती है। ये है अयोध्या। नदी के उस पार उत्तर के तराई वाले इलाकों को जोड़ते रेलवे और रोड ब्रिज हैं। पश्चिम से पूरब बहती घाघरा यानी सरयू के किनारे बसी अयोध्या की पहचान त्रेता युग में हुए भगवान श्री राम की नगरी रही है। वही राम जिनके पास हनुमान सरीखे कार्यपालक और भरोसेमंद सेवक थे। पर आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की कार्यपालिका के हनुमान कौन है? चाहे जनता हो या सरकार, पहला सवाल यही होता है, जिले का कलेक्टर कौन है? हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार झा हूँ। मैं 2009 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और इस वक्त फैजाबाद अयोध्या का जिलाधिकारी हूँ। ये शानदार इमारत अयोध्या की कलेक्टर कोठी है, जिसकी भव्यता अगर DM की प्रशासनिक शक्तियों की प्रतीक है, तो हवेली की बेदाग सफेदी किसी DM के कामकाज को लेकर आम लोगों की उम्मीदों की। मॉर्निंग वॉक की रफ्तार देखकर ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि बीती रात की मीटिंग कितनी देर तक चली। भागने की शुरुआत तो बिस्तर छोड़ते ही हो जाती है, फर्क बस इतना होता है कि आप खुली सड़कों की बजाय घर के सामने पार्क के चक्कर लगा रहे होते हैं। मैं अपने दिन भर के रूटीन की बात करूं तो मेरा दिन जो है तकरीबन सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में स्टार्ट होता है, जब मैं रनिंग जॉगिंग करता हूं तकरीबन 35 मिनट, फिर 15 से 20 मिनट का योगा, और उसके बाद अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको टाइम देना, उनको तैयार करना, उनको स्कूल के लिए भेजना। जॉगिंग के बाद 15 से 20 मिनट योगा का अभ्यास भी जरूरी है। खासकर उनके लिए जो इसमें यकीन रखते हैं। मछलियों को खाना डालते ही अब ये बेटे के स्कूल जाने का वक्त है। और बतौर पिता आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? तैयार कर बेटे को स्कूल के लिए भेजना अनुज की रोजाना रूटीन का हिस्सा है। अभी तक ड्राइंग रूम की टेबल पर अखबार पहुंच चुके होते हैं। पर अब नजर देश विदेश की खबरों से ज्यादा अपने इलाके में होने वाली गतिविधियों पर होती है। जो अखबार में जो इम्पोर्टेंट ऐसे कटिंग्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं, उनकी कटिंग्स जो है जो डिस्ट्रिक्ट के हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स की ग्रुप बना रखी है, उसके माध्यम से सही जो अधिकारी है उनसे उस पर अपडेट लेना, आज्ञा लेना, ये काम करता हूँ। ईश्वर को मानने वाले दूसरे आम लोगों की तरह अनुज भी मंदिर जाते हैं, जो आवास परिसर का ही एक हिस्सा है।
पूजा पूरी होते ही दिन की औपचारिक शुरुआत हो गई। ब्रेकफास्ट के फौरन बाद वो निकल पड़ते हैं जिले के कलेक्टर के काम निपटाने। और अब डीएम अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां जिले की जनता अपनी अपनी फरियाद लेकर इंतजार कर रही है। किसी को अपना हक चाहिए तो कोई इंसाफ के खातिर आया है। पीड़ितों में सीनियर सिटीजन हैं तो महिलाएं भी। तकरीबन 10 बजे अपने दफ्तर पहुंचता हूं। वहां पे 10 से 12 के बीच में जनता दर्शन, यानी कि जिसमें जनता अपनी समस्याएं लेकर के आती है, और हम एक टीम ऑफ ऑफिसर्स के माध्यम से ऐसी समस्याओं के रूट तक पहुंच करके उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। जो हमारे फील्ड के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं ग्रास रूट के, जैसे हमारे SDM हो सकते हैं, BDO हो सकते हैं, या थाना अध्यक्ष हो सकते हैं, उनसे बात करके हम उन प्रॉब्लम्स को उनको एक्सप्लेन करते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर्स करते हैं, और इस तरीके से कोशिश करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान हो। किसी को अपनी ज़मीन पर कब्जा चाहिए तो कोई अपनी खुद की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर आया है। हम मांगे हैं 237 DM जहां तक हो सकता है मामलों को निपटाने की कोशिश करते हैं। ये आधी रेडियो को भेज देकर चिपकाएंगे। लेकिन जिले का DM सिर्फ फरियाद ही नहीं सुनता, कुछ खास तरह के मामलों में फैसले भी सुनाता है। रेवेन्यू जो फंक्शन है, खास करके लैंड का जो टाइटल रिलेटेड जितना भी फंक्शन है, और जो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो कोर्ट वर्क करना ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका विरासत उनके जो संतान होते हैं उनके नाम दर्ज होता है, या अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिस पे कोई अपना डिक्लेरेटरी सूट फाइल करता है, वो डिक्लेरेटरी सूट का की सुनवाई कराना, या जैसे किसी को पट्टा हुआ है, अगर गलत हो गया है पट्टा तो उसकी सुनवाई करके पट्टे को खारिज करना, या किसी को पट्टा देना है तो वो पट्टा देने की कार्रवाई कराना, या जैसे किसी ने अगर ग्राम समाज या सरकार की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट कर लिया है तो उस इंक्रोचमेंट की सुनवाई करके अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देते हुए उस इंक्रोचमेंट को ऑर्डर करके हटवाना, तो ये सारे काम जो है वो हमारे कोर्ट के माध्यम से होते हैं। इन्हें जिलाधिकारी कहिए, कलेक्टर कहिए, या फिर DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, शख्सियत एक ही होती है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, जैसा कि इस पोस्ट को अलग अलग स्टेट में जानते हैं जिस नामों से, इनके हम अधिकारों की और कर्तव्यों की बात करें तो बेसिकली 3 तरह की ड्यूटीज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की होती हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट में जो है आपकी लॉ एंड ऑर्डर संबंधी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था के आप इंचार्ज हो। इवन जो पुलिस सिस्टम है उसका जो फॉर्मल हेड है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, तो आपको लगातार कानून व्यवस्था पर नज़र रखनी रहती है, पूरे ज़िले में कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, या ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो उसकी एडवांस सूचना भी मिलती है, या कई बार रियल टाइम भी आपको सूचना आती है कहीं कोई समस्या होती है। नमस्कार सिंह साहब, नाम बताइए। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या कहीं कोई ऐसी आग लग गया, कोई इस तरह की कोई घटना हो गई, इन सभी घटनाओं पर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी होती है, और उनका रियल टाइम में उनका सोल्यूशन करना रहता है। कई बार ह्यूज गैदरिंग्स होती हैं ज़िले में, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स होती हैं, या कोई दूसरे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एजिटेट होकर के कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं, तो उनके लिए पूरी आपको तैयारी जो है वो करनी पड़ती है, सो दैट कि कहीं कोई समस्या ना आए। कानून व्यवस्था कायम रखने का काम हो या फिर चुनाव कराने की चुनौती, विकास की योजनाओं को लागू करना उनका काम है, तो आम जनता को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करना कर्तव्य। तकरीबन 50 के करीब डिपार्टमेंट हैं जो ज़िले में फंक्शनल होती हैं, और इन सब का कोऑर्डिनेटिंग हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। सभी डिपार्टमेंट में हमें फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं करने होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल सैंक्शन की फाइलें भी आपके पास आती हैं, खास करके जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी पूरी पत्रावली आपके पास आती हैं। कलेक्ट्रेट में जो हमारा पूरा संवर्ग है,
उसकी और तहसीलों की पत्रावलियाँ आपके पास आती हैं जिनको आपको सैंक्शन करना रहता है। तो डेवलपमेंट में जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ज़िले का, उसका एक तरह से नोडल होता है, उसकी एडवांस प्लानिंग करना, उसका अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना, जब डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्ट करना, मंथली उसकी मीटिंग्स करके उसका प्रोग्रेस रिव्यू करना, और यदि कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल है आ रहा है, कोई बॉटलनेक आ रहा है, तो उस बॉटलनेक को हटाना भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर होने के नाते अगर आप जहां एक तरफ जनता से मिलते हैं तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों का दबाव भी झेलते हैं। राजनेताओं से संतुलन बनाए रखना भी आपके कुशल प्रशासक होने का एक अहम पैमाना है। आप आ रहे हैं कि मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी इसमें रिकमेंड कर दूंगा, मेरे पास अब नगर निगम से मांग थी, नगर निगम से पहले आप। ये तरीके आप खुद तय करते हैं और अनुज का भी अपना एक तरीका है। आई टेक इट एज ए चैलेंज टू प्रोफेशनलिज्म। I don't believe too much in political management, rather I believe in professionalism. तो मेरा तो ये भी रहता है, चूँकि राजनेता रोज़ाना वो जनता को फेस करते हैं और रोज़ाना जनता उनको अपनी समस्याएं बताती हैं, और कई बार उनके लिए ना कहना बहुत कठिन होता है, तो that kind of demand comes to you. But मेरा ये रहता है कि मैं उसको बहुत ही professionally handle करूँ, और जो काम होने लायक हैं, legal हैं, उनको मैं तुरंत करा दूँ, और जो काम नहीं होने लायक है उसमें मैं कतई डिली डॉली ना करूं, और उसमें उनको बहुत क्लियर कट बताऊं कि क्यों ऐसा काम नहीं हो सकता है। तो ऐसा जब हम प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं तो मुझे कोई खास समस्या नहीं हुई। इवन अप टू जो टॉप के पॉलिटिशियन होते हैं स्टेट में, उनको भी हैंडल करते हुए मैंने ये पाया कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो पॉलिटिशियंस दे अंडरस्टैंड द होल थिंग एंड दे एग्री टू इट। फर्स्ट हाफ के अपने सारे काम निपटा कर अनुज लंच के लिए आवास लौटते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। दोपहर के खाने के फौरन बाद ही दौरे पर निकल पड़ते हैं। फिलहाल उनकी गाड़ी राजकीय इंटर कॉलेज की ओर जा रही है, जहां एक समारोह में उनका इंतजार हो रहा है। चुनाव के मौसम में जिम्मेदारियों का दायरा और बड़ा हो जाता है। डीएम साहब इस महिला मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होकर समाज की अगली पीढ़ी की हौसला अफजाई करते हैं। वैसे भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने वाली हर मुहिम का हिस्सा होना उनके नैतिक कर्तव्यों में शामिल है। पर चुनौती चुनाव आयोग के निर्देशों का मुस्तैदी से पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने की भी है, जिससे प्रशासन और पुलिस मिलजुल कर निपटते हैं। चुनाव से पहले प्रशासन का तंत्र एकदम सतर्क हो जाता है, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और चुनाव आयोग के निर्देशों को अमल में लाने के लिए डीएम जिले के सभी विभागों और उनके अधिकारियों से तालमेल बनाए रखता है, ताकि चीजें अपने तय वक्त पर हो सकें। इलेक्शन का जो हर काम होता है वो एक क्लॉकवर्क की भांति होता है। कहने का मतलब, जिस दिन नॉमिनेशन होना है उसी दिन हो सकता है, जिस दिन स्क्रूटनी होना है उसका एक नियत टाइम है, जिस दिन विड्रॉल होना है उसी दिन हो सकता है, या जब पार्टियां भेजनी हैं तो एक नियत टाइम पे उसको पार्टियों को निश्चित रूप से अपने जो है डेजिग्नेटेड बूथ तक पहुंचना होता है। लाइक वाइज जो स्टार्ट ऑफ पोल है वो बिल्कुल टाइमली फंक्शन है। तो ऐसे जितने भी काम डीएम्स का होता है वो सब जो है एक क्लॉकवर्क के हिसाब से होता है, उनको समय पर ही अपना काम करना होता है। अब रुख अयोध्या के घाटों की ओर का है, जहां निर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश घाटों को बेहतर बनाने से लेकर पूरी अयोध्या के कायाकल्प की है। वैसे दिन ढलते ही घाटों की रौनक बदल जाती है।
बतौर डीएम अनुज चाहते हैं कि शहर के सांस्कृतिक गौरव को देखते हुए इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सके। मैं अयोध्या में पोस्टेड हूँ, तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि अयोध्या के लिए मेरा विज़न जो है वो काफ़ी मायने रखता है। आने वाले समय में आपने देखा, अभी अयोध्या जो है वो नगर निगम में डिक्लेयर हुआ है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। काफ़ी गवर्नमेंट की ओर से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं, और मेरा इस बात पे काफ़ी एम्फेसिस होगा कि आने वाले समय में अयोध्या को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए और भी जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंसेप्चुलाइज करके उनका DPRs बनवा करके गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेकर के मैं उसको यहाँ पे लागू कराऊं। पहले ही जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे भगवान राम की बहुत ही ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस पर अभी DPR का काम चल रहा है। आने वाले समय में देखेंगे कि उसको किया जाएगा। साथ ही साथ कैसे जैसे अयोध्या की सड़कें हैं उनको चौड़ा करके और उनको अच्छा सुगम्य बनाने के लिए, ज़्यादा यहाँ पे सफाई इंश्योर करने के लिए, और साथ ही जो और अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे खास करके पार्किंग को लेकर के अयोध्या में या सोवेनियर शॉप्स को लेकर के, इस तरह की जो अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो स्टैचू बननी है उसको, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को आने वाले समय में कॉन्सेप्चुलाइज करके और उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरा एक बहुत ही प्रायोरिटी का काम यहाँ पे होगा। जब चुनावी सीजन नहीं होता तो भी अयोध्या देश का कोई आम शहर नहीं है। राम मंदिर की वजह से यहाँ की स्थिति कई मायनों में बेहद खास है, जिसे लेकर प्रशासन को खास एहतियात बरतने होते हैं। अयोध्या में जो है निश्चित रूप से DM के लिए काफ़ी चैलेंजेस होती हैं, खास करके अयोध्या में थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद है उसको लेकर के रहती है। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो काफ़ी गियर्ड अप है इसको लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज यहाँ पे हैं और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उसमें निभाते हैं। तो वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट, वी हैव टू बी ऑलवेज देयर सो दैट इफ़ एनीथिंग हैपन्स वी टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली। तो उस तरीके से आपको मुस्तैद रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई जो है इवेंट होता है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का। चूँकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, अपनी प्रोटेस्ट करने का भी हक है। तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट वगैरह होता रहता है, तो उनकी पूरी व्यवस्था करना और सेफ्टी इंश्योर करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वट एवर हैपन्स सेफ्टी ऑफ द सिटीजन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी हैव टू मेक इट अवेलेबल ऑल द टाइम। ये वही है जिन पर अयोध्या को नई पहचान दिलाने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी है। रही बात ऐसी चुनौतियों की, तो किसी IAS के करियर में इनकी शुरुआत ट्रेनिंग एकेडमी से निकलते ही शुरू हो सकती है। खासकर अयोध्या के मौजूदा DM अनुज कुमार झा इस मामले में बेहद अनुभवी कहे जा सकते हैं। जिला मैजिस्ट्रेट जब हम कहते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज करते हैं कि ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या क्या है। तो इसमें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 1973 में CRPC में अमेंडमेंट के माध्यम से जो है मैजिस्ट्रेसी और एग्जीक्यूटिव को उसमें सेपरेट किया गया था। उसके तहत अब जो है डिस्ट्रिक्ट जज का एक अलग पोस्ट है और उनके नीचे जो है सिविल जज और क्रिमिनल जज की पूरी जो है हायरार्की है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी है उसका हेड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए CRPC के जो प्रोविजंस हैं, जैसे 107, 116 सेक्शन, 100 CRPC, 151, 133, 145, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के, उसको एक्सरसाइज करने के लिए पूरी मशीनरी के साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिम्मेदार होता है। जो जुडिशियरी है वो वैसे सेपरेट है, लेकिन कलेक्टर को एज कलेक्टर और एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको काफ़ी जो है जुडिशियल फंक्शंस दी गई हैं। मैं और भी ऐड करूं तो जैसे आर्म्स एक्ट के तहत जो है लोगों की जो आर्म्स लाइसेंसेस है, अगर उन्होंने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उसकी सुनवाई करते हुए उनको निरस्त करना या निलंबित करना। लाइकवाइज जो हमारे जितने भी जो लिकर शॉप्स हैं, लिकर शॉप्स की लाइसेंसिंग और उनको उनके लाइसेंस को निरस्त करने का काम, या जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत अगर किसी ने जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत अपराध किए हैं तो जो उसमें जो सब्जेक्ट है, उसमें जो गुड्स हैं उनका सीजर और उनका अटैचमेंट, या अगर प्रॉपर्टी जैसे कोई व्हीकल है तो उसका अटैचमेंट और उसकी जो है नीलामी का काम जो है, ये भी हमारे कोर्ट वर्क के माध्यम से होता है। तो देखेंगे तो कोर्ट वर्क जो है वो कलेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली फंक्शन होता है और वी ऑल हैव टू डू इट। एक्चुअली नौकरी करते हुए मैं अगर चैलेंजिंग असाइनमेंट की बात करूँ तो ट्रेनिंग के जस्ट बाद मेरी पोस्टिंग
ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम संभल हुई थी, संभल जो कि पहले मुरादाबाद का पार्ट था, और जब मैं वहाँ पोस्टेड था उसी वक्त संभल को एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्व आउट किया गया था। और जैसे ही वो कार्व आउट हुआ था तो उसके हेडक्वार्टर को लेकर के बहुत वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसका हेडक्वार्टर संभल में स्थापित हो या चंदौसी में। और वहाँ पे तकरीबन 21 दिन तक लगातार जो है वहाँ मार्केट्स बंद रहे थे और डिफरेंट जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे धरने प्रदर्शन किए थे। तकरीबन 7 दिन वहाँ की हाईवेज जाम रही थी। तो वो नौकरी में आते ही एक ऐसा चैलेंजिंग असाइनमेंट था जो कि मैंने हैंडल किया था, और उसमें बिना किसी बल प्रयोग के लगातार वार्ता करते हुए इस पूरे मसले को उसको डिस्पोज किया गया था, और जिसमें किसी तरह की कोई जो है लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं हुई, कोई उसमें लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले को बहुत ही एमिकेबली वहाँ पर रिजॉल्व किया गया था। उसके बाद मैं CDO झांसी रहा, और पहली जो मेरी जिला एज कलेक्टर थी वो महोबा थी बुंदेलखंड में। तो बैक टू बैक मैंने 2 जिले जो है वो बुंदेलखंड के किए, जहाँ पे कि वाटर क्राइसिस बहुत रहती है। तो वहाँ मैंने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ लेकर के एक अभियान चलाया था जिसका नाम है अपना तालाब अभियान। इस अभियान के तहत हमने वहाँ पर किसानों को मोटिवेट किया कि वो अपनी ज़मीन का 1/10 पोर्शन जो है उसको एक पॉन्ड के रूप में डेवलप करें, और उसमें जो बारिश का पानी होता है, वर्षा का जल होता है, उसको कलेक्ट करें। और ये पानी जब वहाँ कलेक्ट होता है तो वहाँ फिर जो है वाटर रिचार्ज होता है। वाटर रिचार्ज होने का ये वहाँ पर असर देखा गया कि जहाँ पर एक भी हमने पॉन्ड बनाए थे उसके आसपास के 4 जो सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए थे वो सारे कुएं पूरे साल भर जल से वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिचार्ज हो रहे थे। पहली बार कई इलाकों में वहाँ पे इस पानी को लेकर के वहाँ जो कम पानी की खपत वाली जो धान की वैरायटी है उसकी खेती हुई। हमने तकरीबन वहाँ पे एक साल में करीब 300 के करीब जो है हमने पॉन्ड्स वहाँ पे खोदे थे। और ये जो अभियान था अपना तालाब अभियान, ये आज भी वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। और सक्सेसफुली चलने का एक कारण ये भी है कि इसको आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, जब वहाँ पे सूखे की समस्या आई थी जब मैं वहाँ से हट गया था, तो इसको एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी इसको अडाप्ट किया। और ये जो था एक काउंटर पॉइंट की तरह मैंने प्रपोज़ किया था। तब तक उस वक्त जो है बुंदेलखंड में वाटर कंजर्वेशन के नाम पे ज़्यादातर चेक डैम्स बन रही थी, लेकिन चूंकि वहाँ पे काफ़ी रॉकी टेरेन होने के कारण जो सब स्ट्राटा है वो उतना पोरस नहीं हो पाता था कई बार जहाँ पे हम चेक डैम बनाते थे। तो इसको देखते हुए मैंने इसको कंसेप्चुलाइज किया था जो हमारे जो वाटर सेक्टर में काम करने वाले NGOs थे उनके साथ, कि हम अगर जहाँ पे खेती होती है, जहाँ मिट्टी का अच्छा डेप्थ है, अगर वहाँ पर हम पॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे रिचार्ज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। बाद में गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी देकर के भी फार्म पॉन्ड स्कीम के रूप में इसको अडॉप्ट किया, और पूरे बुंदेलखंड में हज़ारों तालाब जो है इस तरह की बनी है, जो कि आज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन के रूप में वहाँ पे मौजूद है। बतौर DM उनका मानना है कि खामियों की पहचान कर एक सिस्टमैटिक रोड मैप के जरिए हालात सुधारे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर उनका प्रयोग काफी हद तक सफल रहा। कन्नौज में मैंने मैंने सेक्टर चूज करके काम किया था वो था एजुकेशन, और एजुकेशन में वहाँ पे खास करके एक ज़्यादा समस्या थी कि ज़्यादातर जो शिक्षक थे वहाँ के वो अप एंड डाउन करते थे कानपुर से, वो कन्नौज में कम रहते थे, तो जो टीचर की अटेंडेंस थी वो कम हो पा रही थी, और इसके कारण से बच्चों का जो लर्निंग लेवल था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो इसको मैंने पूरा सस्टेन किया, तकरीबन 1.5 साल मैंने इस प्रोजेक्ट पर वहाँ पर काम किया, जिसमें मैंने एक SMS बेस्ड अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाई। और हमने हमारे कुछ जो अच्छे मित्र थे जो टेक्निकल नो हाउ जिनकी अच्छी थी उनको साथ ले करके, और ये SMS बेस्ड जो अटेंडेंस मॉनिटरिंग थी उसमें प्रत्येक टीचर का अटेंडेंस जो है हेड टीचर सुबह सुबह SMS के माध्यम से भेजता था। और इसमें ज़्यादा इम्फेसिस जो था हमारा टीचर्स को मोटिवेशन पे था कि जो हमारा क्लाइंटल है, जो गरीब वर्ग के बच्चे हमारे विद्यालयों में आते हैं, उनको अगर हम कुछ लर्निंग लेवल दे सकें अच्छा, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम होगा, एक पुण्य का काम होगा। इस तरीके से उनको मोटिवेट करके हमने ये प्रोग्राम वहाँ पे चलाया, और इसका असर ये हुआ तकरीबन 1 साल तक ये प्रोग्राम जब हमने सस्टेनेबल ढंग से किया तो वहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वहाँ के बच्चों की लर्निंग लेवल जो है वो बढ़ी। और हमने जो उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर्स थे उनके लिए हमने जिला शिक्षक सम्मान की भी स्थापना की, और समय समय पर जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या टीचर्स डे पे ऐसे अच्छा करने वाले शिक्षकों को भी हमने वहाँ पर पुरस्कृत करना प्रारंभ किया था। आती जाती इन फाइलों का क्या है, दफ्तर हो या गाड़ी, इक्का दुक्का तो कभी भी दस्तखत के लिए आपके सामने आ सकती हैं। जब शाम को घर लौटते हैं तो कैंप ऑफिस की टेबल पर इनकी पूरी थाक पड़ी होती है और हर एक से बारी बारी निपटना होता है। फाइलों से छूटे तो बच्चों से मिले, सुबह के बाद
बच्चों से मुलाकात का वक्त यही मिलता है, उनके साथ बातें करने का, उनके साथ खेलने का। एक पति और पिता के तौर पर ये रोल भी बेहद अहम है। खासकर अनुज कैसे भूल सकते हैं कि एक पिता की एक छोटी सी नसीहत ना सिर्फ जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कराती है, बल्कि आपको सबसे अलग और सबसे पहली लाइन में खड़ी कर देती है। अनुज मैथिली का ऑप्शनल रखकर आईएएस बनने वाले देश के पहले शख्स हैं। मैंने आईएएस का एग्जाम लिखा था, तो उस वक्त मेंस के लिए आपको दो सब्जेक्ट लेना होता था। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था और दूसरा सब्जेक्ट मेरा मैथिली लिटरेचर हुआ करता था। मैं मैथिली लिटरेचर से, मैथिली साहित्य से सिविल सर्विस में आने वाला और आईएएस में आने वाला पहला स्टूडेंट था। तो मेरे पापा बाहर रहते थे और मैं उनको चिट्ठियाँ लिखा करता था। तो जब कभी मैंने हिंदी में चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा, बेटा हिंदी तो तुम्हें आती है, तो चाहे तो तुम मैथिली में लिखो या इंग्लिश में लिखा करो। तो ऐसे हम उनको चिट्ठियाँ लिखते थे और वो उसमें करेक्शंस करके हमें दिखाते थे कि हमने क्या गलतियाँ करी। तो ऐसा लगातार करते रहने से मुझे मैथिली लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, तो मुझे मैथिली लिखना आता था। और मेरा साहित्य में हमेशा बहुत ही रुचि रहा है। मैंने लिटरेचर मैंने पढ़ना मैं बहुत पसंद करता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथिली हो। तो इस कारण से जो साहित्य की समझ मुझे थी, तो इन दोनों को कंबाइन करके और अपने गुरुजनों की मदद से मैंने मैथिली का अच्छा प्रिपरेशन कर लिया था, और जिससे मुझे काफ़ी अच्छे नंबर्स उसमें मिले थे। और अब ये फैमिली डिनर टाइम है और यहाँ से कैमरे के बाहर आने का भी। दूधिया रोशनी में नहाई ये कलेक्टर कोठी एक हस्ती का नाम है जो हर साल लाखों नौजवानों को हौसला देती है अंधियारे से जोर आजमाने की। लेकिन रुकिए, गुड नाइट कहने से पहले गुड विशेस तो लेते जाइए। जो बच्चे आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो फ्यूचर में आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरा टिप्स है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी एक ही क्वालिटी है जो आप में होना ज़रूरी है और जिसके होते हुए सारी अदर क्वालिटीज़ आप में अपने आप आ जाएंगी और आप वर्दी कैंडिडेट हो जाएंगे, तो मेरा जवाब होगा हार्डवर्क। आपको हार्डवर्क को अडॉप्ट करना है। यू हैव टू फिक्स अ टारगेट एंड देन एवरी सिंगल डे यू हैव टू मेक इट हैपन। आपको रोज़ाना अपने लक्ष्य की तरफ कुछ कदम बढ़ाना है और आप पाएंगे सर्टन कुछ दिन के बाद कि आपको मज़ा आने लगा है और रोज़ाना आप थोड़ा अपने आप को बेहतर प्रिपेयर महसूस करते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो टू स्टार्ट विद आई नेवर थॉट आई वॉज आईएएस मटेरियल। मुझे हमेशा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं हमेशा ही इस बात के लिए कमिटेड था कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने चारों अटैम्प्ट बहुत अच्छे से लिखूंगा। हो सकता है मैं पीटी भी ना पास करूं, लेकिन मैं अपने अटैम्प्ट बहुत अच्छे से लिखना चाहता था। और इस एटीट्यूड के साथ जब मैंने शुरू किया, मैंने अपने आप को वर्दी नहीं माना, लेकिन मैं अपना पूरा जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ इसमें मैंने अपने आप को झोंका और उसका नतीजा ये रहा कि मैं पहले अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और थर्ड अटैम्प्ट में मुझे प्रॉपर आईएएस अलॉट हुआ। तो मैं अपने सभी जो हमारे मित्र हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको अपना लक्ष्य ऊंचा सेट करना है और रोज़ाना एवरी सिंगल डे यू हैव टू मेक प्रोग्रेस। आपको रोज़ाना हार्ड वर्क को अडॉप्ट करना है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो बाकी सारे गुण, आप स्मार्ट हो जाते हैं, आप अच्छे वक्ता हो जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस झलकने लगता है और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं निश्चित रूप से इसको कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच।